मध्य प्रदेश में विकास के दावों की पोल भोपाल के स्कूल ने खोल दी है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तभी छत का एक हिस्सा भरभरा के गिर गया। इस बात का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि जब राजधानी के हालात ऐसे हैं तो दूर दराज के स्कूलों का हाल क्या होगा। इस हादसे में टीचर सहित कुछ छात्रों को चोट लगी है। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूल भगवान भरोसे ही चल रहे हैं। भोपाल के शहजानाबाद स्थित शासकीय माध्यमिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान छत गिर गई और इस छत ने विकास के दावों की पोल खोलने के साथ ही कमीशन खोरी की दास्तान को भी उजागर कर दिया। छत गिरने से भोपाल में अब शिक्षा विभाग स्कूल की जांच के बाद उसे शिफ्ट करने के मूड में है, क्योंकि यहां मौजूद हर एक कक्षा की छत से पानी बैठ रहा है। वहीं दीवारों पर लंबे समय से सीलन है। बता दें कि स्कूल की छत का प्लास्टर उखड़ कर गिरने के बाद यहां दो बच्चे और एक शिक्षक घायल हुए हैं। वहीं क्लास में पढ़ रहे अन्य बच्चों को भी मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल यहां बड़ा हादसा होते होते टल गया है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान कमरे में दो महिला टीचर और तकरीबन 20 बच्चे मौजूद थे। टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे, इसी दौरान अचानक छत का एक हिस्सा गिर गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।